नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूर्य कुंड मंदिर में मौजूद हूँ इस वक्त। और कहते हैं बड़ा ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, इसके आसपास भी कई, ये देखिए ये सूर्य कुंड मंदिर में ये शिवलिंग अंदर धंसा हुआ है, ये अंदर की तरफ है। और ऐसा ही इसमें हमने और भी जगह देखा था, काफ़ी डीप है। मुझे लगता है कि ये बाद में इसको ऊपर जीर्णोद्धार किया गया, उठाया गया होगा, या फिर इसमें काफ़ी जैसा पत्थर रहिएगा, शिवलिंग के पत्थर रहिएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब भक्त लोग हैं। ये देखिए यहाँ पे शिवलिंग, ओह वाह वाह, देखिए उन्होंने सफाई किया है, शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है ये। सूर्य कुंड अभी यहाँ पे, यहाँ के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी आए थे, जीर्णोद्धार सदियों से होता है। सूर्य कुंड मंदिर ये मंदिर कितना पुराना होगा? ये सर काफी पुराना है, तकरीबन 500 वर्ष से ऊपर होगा। हाँ जी जी, 500 वर्ष ऊपर होगा। 7 पीढ़ी से सर हमारी इसकी पुजारी हो चुकी है। अच्छा, आपकी आपकी जी इसमें, आपका शुभ नाम क्या है? जी आशीष कुमार गिरी। आशीष कुमार गिरी, आप यहीं पे पुजारी हैं? जी मैं पुजारी हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, आपसे मुलाकात हुई। अच्छा, ये जो पीछे खंडहर बना हुआ है उधर, तो इसी मंदिर का पार्ट है वो अलग है? जी, ये पहले ठाकुर द्वारा हुआ करता था वो सामने। जी बच्चे संस्कृत विद्या पढ़ते थे। अच्छा, अभी खंडहर गए पड़ा है वो जी। अच्छा, मैंने देखा ये यहाँ पे बगल में जो मठिया बनी हुई है, ये जी ये हमारे जो पूर्वज पुजारी हुआ करते थे उनकी ये समाधि है। अच्छा जी, ये जो सामने मठिया है ये समाधि है वो जी। अच्छा, क्योंकि लकड़ी ईंट दिखी मुझे उसमें, क्योंकि लकड़ी ईंट तो काफ़ी पुरानी ईंट है, काफ़ी प्राचीनतम ईंट है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये इसका कोई भक्त यहाँ आना चाहे कैसे आ सकता है यहाँ पे? क्या उसको कैसे आएगा, वो सीतापुर से आना चाहे, लखनऊ से आना चाहे? सर भाई बस आता है तो क्या बोला जाएगा, कहाँ जाना है? सूर्य कुंड। इसका गांव का नाम क्या है? अखबारपुर ग्राम समाज में लगता है। अखबारपुर जी, जी। अच्छा अच्छा, लहरपुर तहसील। अच्छा, अखबारपुर ये कहते हैं तो आप, क्योंकि रोड के किनारे ही है ये, तो नज़दीक है, बिल्कुल बगल में लगा हुआ है ये। और देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, कहते हैं यहाँ भी जो भी मन्नत या मान्यता मांगी जाती है वो अक्सर पूरी हो जाती है। अभी हमारे संग गिरी जी महाराज थे यहाँ के पुजारी जी, उन्होंने बताया। देखिए